पेरेंट्स इस रूम में बिस्तर और अलमारी लगाते हैं, लेकिन जब ये इसमें स्टडी टेबल लगाते हैं तो स्टडी टेबल नहीं आती है, तो ये बिस्तर को साइड में करके इनके बीच में स्टडी टेबल लगाते हैं। लेकिन ये लड़की नाराज होकर बिस्तर पर लेट जाती है क्योंकि इसके खिलौने और बुक ऐसे ही फैले रहते हैं। अब हम इस रूम को खाली करके रूम के बीच में इस प्रकार से डिजाइनिंग दीवार बनाएंगे, फिर स्टील के डंडों से स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसके ऊपर प्लाई लगाकर शानदार मुलायम गद्दा लगा देंगे, दीवार में बॉक्स बनाएंगे जिसमें इसके पढ़ने की किताबें और एक्स्ट्रा सामान रखेंगे, और इसमें सॉकेट भी लगाएंगे जिससे इसका मोबाइल चार्ज हो सके। बिस्तर के आगे टेबल और बुक शेल्फ बनाएंगे जिसमें इनके पढ़ने की कुछ और किताबें रखेंगे, और टेबल पर ये लैपटॉप चलाएंगी। इसके ऊपर जाली वाली विंडो लगा देंगे। इस कोने में सोफा और रेक लगाएंगे जिसमें इसके खिलौने रखे जाएंगे, और सोफे पर ये आराम करेंगी। बिस्तर के नीचे दो दराज लगाएंगे जिनमें इसके अंडर गारमेंट्स रखेंगे। गेट के पास अलमारी बनाएंगे जिसमें इसके कपड़े रखे जाएंगे। अब आप भी इस रूम के नज़ारे को देखकर बताऊं इसमें क्या कमी है।